नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सावधान, लालू यादव ने सबको किया अलर्ट, कहा कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये चीज। बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों को लेकर सीएम नीतीश ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। नियोजित शिक्षकों समेत शिक्षा कर्मियों को कब मिलेगा वेतन, नीतीश सरकार ने दी जानकारी। पटना, बक्सर, सारण, रोहतास और औरंगाबाद में 1 मई से बंद है बालू का खनन, जिसके बावजूद धड़ल्ले से जारी है अवैध खनन। कोरोना का विमान सेवा पर बुरा असर, आधे से भी कम हुई यात्रियों की संख्या, 96 में से 66 फ्लाइट रद्द। बिहार में संविदा पर बहाल होने वाले डॉक्टरों का मानदेय तय, विशेषज्ञ डॉक्टरों को 7,000 और MBBS को रोज मिलेंगे 4,000 रुपये। लॉकडाउन में बाहर से शटर बंद, अंदर बेच रहे थे कपड़ा, पुलिस ने दुकानदार ग्राहकों का लात घूंसे से इलाज कर 14 को गिरफ्तार किया। पटना में मजिस्ट्रेट बनकर कर रहा था वाहनों की चेकिंग, गाड़ी से निकाल लिए 60,000 रुपये। बिहार में मिले 13,466 नए कोरोना मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,000 के पार। पटना में 2,410 केस। बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश और ओले गिरने के आसार, जाने अगले 48 घंटे कैसा रहेगा सुबह का मौसम। कोरोना की पहली लहर से तबाही के बाद दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना की तीसरी लहर का आना भी तय माना जा रहा है। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने बुधवार को यह चेतावनी दी है, कोरोना की एक और लहर का आना तय है। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में जेल से छूटे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। चारा घोटाले मामले में जेल से रिहा होने के बाद लालू प्रसाद यादव पूरी तरह एक्टिव दिख रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश और बीजेपी पर हमलावर लालू ने एक और बड़ा बयान दिया है। लालू ने बिहार की गद्दारी को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया है। लालू ने जनता को अलर्ट करने के लिए एक ट्वीट किया है और लिखा है कि सरकार की जनता के साथ गद्दारी कोविड से भी बड़ी महामारी है। गौरतलब हो कि इससे पहले लालू ने कहा था कि भाजपा नीतीश के इस राज का कोई नामकरण नहीं करना। बिहार में ऑक्सीजन, वैक्सीन, इंजेक्शन, बेड की तो छोड़िए, साधारण बुखार का दवा तक नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब भी नहीं देगा। नीतीश सरकार में कुछ शर्म बची है या उसे भी बेच खा डकार गए। शुक्रवार को सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ आपदा प्रबंधन किया जाएगा। उन्होंने NDRF और SDRF प्रतिनियुक्ति, नाव, पॉलीथीन सीट और राहत सामग्री की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी दी। बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि कोरोना संक्रमण का अभी दौर चल रहा है, इससे लोगों का बचाव हमारी प्राथमिकता है। पूरा प्रशासन इसके लिए तत्परता से काम कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में सबको मिलजुल कर काम करना है। बिहार में कभी बाढ़ कभी सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ और सुखाड़ की संभावना को देखिए, पूरी तैयारी रखें। बाढ़ की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों को टीम बनाकर सही आकलन करवाएं, साथ ही प्रभावित लोगों की सूची बनाते समय पूरी पारदर्शिता बरती जाए, ताकि कोई भी पीड़ित लाभ से वंचित न रहे। कोरोना वायरस के इस दौर में बिहार की शिक्षा कर्मियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से कल शिक्षकों का वेतन जारी हुआ तो बड़ी तादाद में नियोजित शिक्षकों के वेतन पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन अब सरकार ने भरोसा दिया है कि नियोजित शिक्षकों समेत अन्य शिक्षा कर्मियों का वेतन 2 हफ्ते के अंदर दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बयान जारी कर बताया कि सभी शिक्षा कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान अगले 2 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। यह सही है कि पिछले 2-3 महीने से वेतन भुगतान लंबित रहने के कारण शिक्षा कर्मियों को बदहाली है। सरकार उनके कठिनाइयों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक, मध्य माध्यमिक विद्यालयों के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान की राशि का स्वीकृतादेश निर्गत किया जा चुका है। कोरोना काल में बालू की मांग घटी तो 5 जिलों में बालू का खनन बंद है। वहीं परिवहन विभाग ने 12 चक्का से अधिक के वाहनों के परिवहन पर रोक लगा रखी है। ऐसे में राज्य के विभिन्न जिलों में बालू खनन का काम करने वाली कंपनियां काम छोड़कर भाग रही है। राज्य के 5 जिलों के तकरीबन 180 घाटों पर इन कंपनियों ने 1 मई से
काम बंद कर दिया है। इसका अल्टीमेटम उन्होंने पहले ही खान एवं भूतत्व विभाग को दे दिया था। ऐसे में पटना, बक्सर, सारण, रोहतास और औरंगाबाद में खनन का काम बंद है, जिसके कारण बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। खान भूतत्व विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालू घाटों के बंदोबस्ती का ठेके नए सिरे से कर दिए हैं, लेकिन पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में पेच फंस गया है, जिसको लेकर एनजीटी ने नए ठेकों पर रोक लगा रखी है। इसके खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली है। बिहार में कोरोना से स्थिति भयावह होती जा रही है। एक तरफ रेलवे तो दूसरी तरफ फ्लाइट पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। संक्रमण से बचाव के लिए यात्री फ्लाइट से भी दूरी बनाने लगे हैं। ऐसे में विमानों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द कर दी गई। राजधानी पटना से वापसी के दौरान गुरुवार को कई विमान रद्द रहे। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से पटना से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद समेत देश के अन्य शहरों में से जाने वाले यात्रियों की तादाद एक महीने में घटकर आधी हो गई है। 9 अप्रैल को पटना से ऑपरेट होने वाली 44 विमानों में से जहां 3,933 लोग रवाना हुए, वहीं गुरुवार यानी कि 6 मई को 33 विमानों में मात्र 1,529 लोग ही रवाना हुए। यही नहीं, पटना एयरपोर्ट में 5 अप्रैल को पटना से 48 जोड़ी विमानों का शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इतने विमान एक महीने में 5 से 7 दिन ही ऑपरेट हुए। हालात यह है कि पैसेंजर नहीं मिलने की वजह से विमानों को रद्द होना जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और कर्मचारियों की बहाली का निर्णय लिया है। 3 महीने के लिए अस्थायी तौर पर यह नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जिला पदाधिकारी, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के अधीक्षक और प्राचार्य के अलावा सिविल सर्जन को सूचित कर दिया गया है। नियुक्त होने वाले इन डॉक्टरों और नर्सों के मानदेय भी तय कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच बिहार सरकार जिला स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त मानव बल की अस्थायी नियुक्ति करने जा रही है। इस नियुक्ति से कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज हो पाएगा, चयनित कर्मियों को मानदेय भी मिलेगा। मंगल पांडे ने बताया कि 3 कैटेगरी में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, सामान्य चिकित्सक और नर्स की कैटेगरी है। महामारी के इस दौर में भी सरकारी आदेश का उल्लंघन कर खुद के साथ दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे लोगों की पुलिस ने अच्छा इलाज किया है। कटिहार में दुकान का शटर गिराकर अंदर कपड़ा और जूता बेच रहे दुकानदारों के साथ साथ खरीदारों की पुलिस ने जमकर कुटाई की। ऐसे में 14 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बिहार सरकार के निर्देश के मुताबिक पूरे सूबे में लॉकडाउन लागू है। सुबह में जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का निर्देश है, लेकिन कटिहार के बड़ा बाजार में अलग ही खेल चल रहा था। कई दुकानदार ने आगे से शटर बंद कर दिया था, लेकिन अंदर में कारोबार जारी था। पिछले दरवाजे से ग्राहकों को दुकान के अंदर घुसाया जा रहा था और उन्हें सामान बेचा जा रहा था। गुरुवार की शाम पुलिस को बड़ा बाजार में चल रहे इस खेल की जानकारी मिली। कई थानों की पुलिस टीम ने एक साथ बड़ा बाजार में छापेमारी की। इसमें लगभग 1.5 दर्जन दुकानदारों में कारोबार चालू होने का मामला पकड़ा गया। पुलिस ने दुकानों में घुसकर दुकानदारों के साथ साथ खरीदारों की भी जमकर खातिरदारी की। पटना में लॉकडाउन में वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को लूटने का मामला सामने आया है। मजिस्ट्रेट का हवाला देकर गाड़ी रुकवाने और उसमें रखे नगद ले लेने का मामला राजधानी पटना का है। रुपसपुर में रहने वाले बोलेरो मालवाहक युवराज अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी इसी बीच मां शीतला मंदिर के पास एक व्यक्ति ने अपने को मजिस्ट्रेट का हवाला देकर वाहन रोकने को कहा। युवराज ने वाहन रोक दिया। उसके बाद वह मजिस्ट्रेट वाहन पर चढ़ गया। उसने वाहन में रखे 60,000 नगद, मोबाइल, डीएल और वाहन के सारे कागजात ले लिए, जिसके बाद पीड़ित अगमकुआं थाना से लेकर कदमकुआं थाने तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। दोनों थानों की पुलिस ने कहा कि यह मामला उनके क्षेत्र का नहीं है। युवराज का दावा है कि वह वाहन चेकिंग करने वाले को देखकर पहचान लेगा, लेकिन अगमकुआं व कदमकुआं थानेदार दोनों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, कोई सूचना देने को नहीं आया है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। बिहार में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी पटना की स्थिति सबसे भयावह है। शुक्रवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 13,466 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कुल 62 मरीजों की मौत हुई है।
बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। सूबे में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 13,466 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा 2,410 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन में 107,153 लोगों की जाँच की गई। बिहार में अब तक कुल 4,49,063 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके कारण स्वस्थ होने वाले मरीजों का औसत 89.16% हो गया है। बिहार में तेज गर्मी के बाद अब पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला सा है। पिछले 3 दिनों से यहां आंधी और बारिश की स्थिति बनी हुई है, वहीं अगले 2 दिनों तक अभी ऐसे ही मौसम के आसार बने हुए रहेंगे। सुबह के पूर्वी भाग में अगले 48 घंटे में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओले गिरने के आसार है। वहीं राज्य के प्रमुख शहरों का तापमान सामान्य से भी नीचे चला गया है। शुक्रवार को राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36.4 व न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य के कई जिलों में 1-2 जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौसम के जानकारों का कहना है कि इस दौरान आंधी की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।